आज प्रदेश भर में लोक पर्व हरेला उत्साह के साथ मनाया गया। इस पर्व पर जगह जगह पौधरोपण किया गया, साथ ही प्रकृति और संस्कृति को बचाने की शपथ भी ली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के मौके पर देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के निकट वन विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण को संस्कृति से जोड़ने वाले पारंपरिक पर्व हरेला की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला पर्व के तहत एक माह तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयासों की जरूरत है। प्रत्येक जनपद में जल स्रोतों एवं गदेरों के पुनर्जीवन एवं संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। नदियों के संरक्षण एवं नदियों के पुनर्जीवन थीम पर इस वर्ष हरेला पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास एवं पर्यावरण में संतुलन होना जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण मिले, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक जनपद में मनाते हुए सभी विभागीय विभिन्न विभिन्न संस्थाएं उन सब की सहभागिता के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम पूरे एक महीने तक 15 अगस्त 2022 जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक किया जाएगा। भाइयों बहनों, इस वर्ष हरेला पर्व की थीम नदियों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद की किसी एक शीर्ष प्राथमिक नदी अथवा गधेरे को संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु हमारे सभी वन विभाग समेत, जैसा अभी वन मंत्री जी कह रहे थे, सभी विभागों को इस पर जोड़कर आगे का अभियान चलाना है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व की बधाई देते हुए इस पर्व को सांस्कृतिक धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण एवं प्रकृति के संरक्षण से ही हम शुद्ध हवा, शुद्ध जल एवं अन्य प्राकृतिक लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व पर प्रदेश में 15 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे, जिनमें 50% फलदार पौधे होंगे। उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम पूरे दुनिया को, पूरे देश को पर्यावरण बचाने के मुख्य जो अग्रिम पंक्ति में खड़े राज्यों में से हम हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि पूरे दुनिया के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए सबसे पहले पर्यावरण आवश्यक है। हम बचपन में सुनते थे जल ही जीवन है, सारे बच्चे सुनते हैं जल ही जीवन, तो सबने सुना है नहीं। जल ही जीवन है और बिना ऑक्सीजन के भी जीवन नहीं है, और ऑक्सीजन का भी अस्तित्व और जल का अस्तित्व भी वनों पर निर्भर है।